हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से टर्टल की हेल्प से एक कलरफुल स्पायरल ड्रॉ करेंगे। तो वो कलरफुल स्पायरल ड्रॉ करने के लिए क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक यूज करेंगे, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं इन फ्यूचर और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और प्रोग्राम को बनाते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद सबसे पहले एक फाइल बना लेनी है। फाइल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्या, पैटर्न टर्टल 2.py। हमने एक फाइल बना ली है। अब फाइल बनाने के बाद हमने कुछ कुछ गलत कर दिया, तो मैं इसे रीनेम रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि सारे कोड आपको देने रहते हैं। तो पैटर्न डॉट टर्टल 2.py के नाम से मैंने फाइल बना ली है। अब फाइल तो बना ली, अब प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें टर्टल से ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली हमें टर्टल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो टर्टल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, TURTLE, टर्टल को इम्पोर्ट कर लिया। टर्टल को इम्पोर्ट तो कर लिया, अब टर्टल को इम्पोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने बोला कि कलरफुल स्पायरल हम ड्रॉ करेंगे, तो कलरफुल स्पायरल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कलर्स चाहिए। तो चलिए कलर्स ले लेते हैं। कलर्स को क्या एक एरे में ले लेते हैं। फर्स्ट कलर देता हूँ मैं रेड, एंड सेकेंड कलर ऑरेंज, एंड ग्रीन, स्पेलिंग गलत है, ग्रीन। एंड कलर आप लोग जो मन चाहे वो कलर ले सकते हैं, मुझे जो याद आ रहा है मैं कलर वो ले ले रहा हूँ। कोई बात नहीं कि मैं पहले सोच के बैठा हूँ। अब क्या मैं ले लूँ, ग्रीन, येलो हो गया, अब क्या ले लूँ, ब्लू। ब्लू देखिए, आप लोग कलर जिस हिसाब से लेंगे आपका वो स्पायरल उतना ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब मैं एक ले लेता हूँ पर्पल, यूआर स्ट्रिंग लेना है हमें, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पर्पल, आई थिंक स्पेलिंग सही है पर्पल की। हाँ सही है, पर्पल की स्पेलिंग सही है। हमने कलर तो ले लिया, अब कलर लेने के बाद क्या करेंगे। अब कलर तो ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, टर्टल का बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है। बैकग्राउंड कलर फिर से वही, मुझे ब्लैक पसंद है तो मैं ब्लैक लेता हूँ। आपको जो कलर बैकग्राउंड कलर में रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर तो हमने दे दिया, अब क्या करेंगे। अब सिंपल सा लूप ही तो चलाएंगे, क्योंकि हर एक कलर लेके वो बार बार उसका वो करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, यस वो हमारी स्पायरल को ड्रॉ करेगा। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज ले लिया हमने, ले लिया रेंज की जगह 360, 360। और फॉर लूप के अंदर क्या क्या लॉजिक यूज करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, टर्टल टर्टल डॉट पेन कलर, पेन कलर क्या चाहिए हमें, कलर कलर का कौन सा, आई मॉडुलस 6, आई मॉडुलस 6 वो कलर लेगा और हमें वो टर्टल पेन कलर में सेट कर देगा पेन का। फिर TURTLE टर्टल, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बार बार कुछ मतलब 3 3 टाइम्स चल रहा है, तो हर बार वो कोई ना कोई कलर ले ले, क्योंकि 6 टाइम्स करेंगे तो वो कितना भी रहेगा 6 है तो वो रिमाइंडर 0, मतलब 0 से लेकर 6 के बीच में ही आएगा, तो हमें कोई ना कोई कलर मिल जाएगा। तो टर्टल, अब क्या करूँ, टर्टल का विड्थ WIDTH, वेट से कितना लूँ, इट्स x+100+1, ये क्या है, x/100+1। अब सोचो ये x क्या है, x नेम है, यहाँ पे i लेना है, जो i/100+1। अगर y 101 2 3 4 5 6 7 रहेगा तो कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम्स। तो हम लोग उसे, क्योंकि स्पायरल है वो, मतलब एग्जाम मतलब छोटा, छोटे से बिल्कुल वो बड़ा होता हुआ आएगा, क्योंकि स्पायरल देखते हैं हम लोग कैसे रहते हैं, वो घूमता हुआ बिल्कुल दिखेगा कि वो बिल्कुल एक छोटे जगह जब वो फैलता हुआ चला आ रहा है।
तो वैसे ही ये करेगा। तो जैसे जैसे 1 होगा तो क्या होगा, 0, ऐसे 100 100 100 तक के लिए 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ता हुआ चला 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 आएगा। हमने चलो वीड तो भी ले लिया, अब क्या चाहिए हमें, टर्टल को मूव कराते हैं किधर, फॉरवर्ड। चलिए टर्टल को फॉरवर्ड तो मूव करा दिया, कितना हाई हाई फॉरवर्ड तो आगे मूव करा दिया। अब क्या चाहिए हमें, टर्टल टर्टल को क्या करें, फॉरवर्ड बढ़ाने के बाद आई हम लोग इस टर्टल को लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉक 59 ट्रैकरी। अब इतना तो कर लिया, अब यही लॉजिक था। अब हम सिंपल ये लॉजिक था, हमने क्या कलर लिया, विड्थ सेट किया और हमने फॉरवर्ड और लेफ्ट इसे मूव करा दिया। अब ये सिंपल ये लूप 3 सीसी टाइम चलेगा और हमारा स्पायरल वो ड्रॉ करता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लूप खत्म होगा, हमारा स्पायरल ड्रॉ हो चुका रहेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्या करना है बताओ, तो कोई बताओ क्या करना है। कुछ नहीं, आप लोग चाहे तो उसे टर्टल को हाइट कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाया तो है नहीं, तो टर्टल क्या हाइड करूँ। तो हमने टाया टर्टल डॉट डन, टर्टल को डन कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही से रन होता है या फिर से प्रॉब्लम कुछ भी, या प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम बिल्कुल ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये बिल्कुल ये स्पाइरल की तरह बिल्कुल बड़ा होता चला आ रहा है। देखते हैं कब तक कित क्या बनता है बड़े होने के बाद। देखिए कैसा दिख रहा है कि वो डिम्पल से बड़ा होता चला आ रहा है। देखिए कलर सारे धीरे धीरे वो बड़ा होता चला आ रहा है स्पाइरल की तरह। ऐसा लग रहा है ना कि वो एक बिल्कुल अंदर चला, बिल्कुल छोटा होता चला गया है कि नहीं। तो देखते हैं कितने टाइम से ये चलता है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ 3 360 की जगह कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये और बड़ा हमारा स्पायरल प्रिंट करेगा। वेट देखते हैं कैसा लगता है लास्ट में। कि हमारा प्रोग्राम मतलब रन होता जा रहा है और वो 360 टाइम्स ऐसे ही वो स्पायरल को बिल्कुल बहुत ही औसम तरीके से ये प्रिंट ड्रॉ करता चला आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना ड्रॉ करता चला आ रहा है। तब तक ये चलते चल चल चलते रहने दीजिए, तब तक कोड को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि करना कुछ नहीं है, बस हमें 3 360 टाइम्स के लूप चलाना और हमें अपना टर्टल मतलब जो भी इसके हमने 559 दिया है कि यहाँ पे क्या करे, वो कुछ एंगल के साथ वो बेंट करता रहे और उधर उधर वो बड़ा होता रहे। तो इतना तो कर दिया। अब इतना करने के साथ साथ अगर किसी को भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ये टर्टल अभी ड्रॉ होता रहेगा, देखिए 3 CC टाइम ड्रॉ होने के बाद ही ये रुकेगा। तो आप लोग इसे और 3 CC टाइम से मतलब कोई छोटी वैल्यू दे सकते हैं या 360 से और बड़ी दे सकते हैं, तो कि ये बहुत ही और बड़ा ये प्रिंट करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।